तो गाइज अब मैं वीडियोस बनाना थोड़ा सीरियसली लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बनाने के लिए, बात करने के लिए यहाँ का एक सेटअप लगा रखा, विच आई पर्टिकुलरली फाइंड रियली कूल, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं ज्यादा। तो गाइज वी हैव फाइनली डन इट, हम लोग ने ऑनलाइन हेट ब्रीड करने को एक फुल टाइम प्रोफेशन बना दिया है। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, मैं खुद पहली बार हैरान था कि हाउ डज वन पर्सन हैज सो मच टू कंप्लेन अबाउट, मतलब एक आदमी के अंदर कितना पेशेंस है कि वो बैठ के इतनी सारी चीजों के बारे में कंप्लेन कर सके। पेशेंटली मैं मैकडॉनल्ड्स वाले से अपना ऑर्डर सही भी नहीं कर रहा था, आई एम लाइक थैंकफुल कि तूने मेरे लिए काम किया, आई एम फाइन, बट आई फाउंड समवन हु हैज सो मच टू कंप्लेन एंड सो लिटिल डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ हेट शी गिव्स ऑफ, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। एंड हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ सपोर्टिंग माइनॉरिटीज को उसने समहाउ हेटिंग हिंदुइज्म बना दिया है। तो लेट्स डाइव इनटू इट, लेट्स गो। ये सीरीज का कोई नाम नहीं है, मैं रैंडमली वीडियोज बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कॉन्टेंट नहीं है, गेट ऑन विद दैट बिच। ठीक है, तो द गर्ल वी हैव ऑन अ हैंड, ओ यस इट्स अ गर्ल, एंड द गर्ल वी हैव ऑन अ हैंड इज कॉल्ड BE_Behgirath, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, मुझे आइडिया नहीं है। तो Behgirath एक ऑनलाइन फेमिनिस्ट, शी हर अनअपोलोजेटिक लड़की है, हु अर्लियर शी यूज्ड टू मेक लाइक रिटन पोस्ट अबाउट द स्टफ शी हेटेड ऑन, एंड जैसे रील्स है शी स्टार्टेड मेकिंग रील्स एज वेल, एंड दोज रील्स कॉट ऑन विथ मी, एंड सर आई बी ऑनेस्ट सम ऑफ देम आर ओके एंड सम ऑफ देम आर फाइन, बट कुछ निट पिक्ड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे, हम वही देखने जा रहे हैं अभी। एंड विद दिस न्यू वीडियो स्टाइल मुझे बात करने में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे साथ कोई और भी बैठा है। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द हाउस। तो Behgirath का सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, जो तुम लोग एक स्काइरिम के गेम में रहते ना, एक्सप्रेशंस को 100 के आगे ले जा सकते हो, ये लड़की का वही सिचुएशन है। इट्स काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइजिंग, इट्स काइंड ऑफ बैड, इट्स काइंड ऑफ बैड। चलो किसी के चेहरे का मजाक उड़ाना इज नॉट फाइन, हम वो नहीं करेंगे, बट सम ऑफ हर रील्स आर अ बिट सजेस्टिव, आई कैन से। आई वांट टू थैंक मी फॉर बिलीविंग इन मी। क्या तू क्या पाए? तो अपेरेंटली उसने हर उस इंसान को लीव आउट कर दिया जो एक लड़का मर्द नहीं है, जो 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 हिंदू नहीं है। तो यू नो आई सी अ पैटर्न ओवर हियर कि वो दूसरों को बचाने के चक्कर में बेसिकली हिंदू मैन को शेम कर रही, दैट्स लिटरली इट। एंड लकीली हिंदू औरतें हैं, इसलिए वो हिंदू औरतों को शेम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो औरतों को शेम करने लग गई तो ऑब्वियसली वो फेमिनिज्म का आ जाएगा। आज दूसरों के मामले में आंटी टेलर्स दैट वी शुड अप्लाई मोर मेकअप बिकॉज दैट विल मेक अस लुक मोर फेमिनिन। ओके, फर्स्टली मेकअप वाज मेड फॉर वुमेन, एट द मैक्स यूनिसेक्स है, नॉट रिलेटेड टू फेमिनिन और मैस्कुलिन, बट इट जस्ट एनहांसेस योर ब्यूटी मोर। दूसरी बात, Behgirath को किसान और फार्मर के बीच का डिफरेंस नहीं मालूम, लेट मी हेल्प यू, लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू, फार्मर को हिंदी में हम लोग किसान ही कहते हैं, तो आई थिंक बोथ ऑफ दीज कैंसिल ईच अदर आउट, एंड आई क्लियरली सी कि उसका जो कॉन्टेंट है इट इज स्लोली ड्रिवन टू मोदी सपोर्टर्स, पीपल हु आर हिंदू, सारे माइनॉरिटीज का नाम लेके बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम में है, एंड यू आर ओनली सजेस्टिंग दैट द वंस अबव आर ट्रीटिंग अस बैड डिस्पाइट हैविंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एवरी फील्ड अवेलेबल, That too because of your merit. तो जो भी करते हो तुम्हारे हाथ में, तो it's nothing is in anybody's hand. Once you've got the minor. हाँ भाई notes ले लेता हूँ, ये तो पता भी नहीं था आधे। Okay, 50-50 मुझे नहीं मालूम था, honestly I don't know how to react. And fairy looks like a compliment.
I'll be honest, फेरी, अगर मुझे मैं फेरी बोले मैं तो कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगा कि लाइक ओके फाइन आई एम चिल आई बी फाइन लाइक ओके डू डन. तो गाइस बेगिरत के हिसाब से तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी चिंता नहीं कर सकते. ओ बेटा प्लीज ध्यान से फक ऑफ डैड. बेटा फक ऑफ. बेटा तुम्हारी माँ आई जस्ट मैं इसके ऊपर अभी रील बना रही हूँ. डैड ध्यान से. अगर मुझे मेरी पड़ोस वाली आंटी तंग करे कि ये कर वो कर, देयर इज जस्ट वन सिंपल सॉल्यूशन टू दिस एंड आई डोंट थिंक यू आर कंसीडरिंग दैट येट. आई हैव लुक्ड इनटू एवरीथिंग यू सेड. आई हैव टेकन एवरीथिंग इन कंसीडरेशन एंड आई वुड लाइक टू आई डू नॉट गिव अ सिंगल फक एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू माय लाइफ विदाउट एनी ऑफ योर एडऑन्स और लाइक एडवाइसेस. I don't think the wage gap exists. क्योंकि अगर लड़कियां सस्ते में काम करती हैं तो why don't the companies just hire women? And अगर तुम qualified enough हो और तुम्हें कम पे मिल रही तो you can just outright, you know, whistle blow them or like I don't know, start to work where somewhere your skills are actually appreciated. I mean that's an option. You know, have you ever tried that? I personally don't know what period leaves are. I'm not qualified enough to look into this matter or say anything about it because I won't, kyunki main obviously cancel ho jaunga. If you want someone to listen to you, speak louder like me. Make yourself heard. Koi tumko aake yahan pe soft serve nahi karega. Oh, here's your plate of attention. When you grow up and you go into the real world, you have to make yourself heard. Nobody will patiently sit and listen to you just because you're a girl. You're a girl. You have to make yourself heard. You have to make yourself important enough. Are to pocket wali jeans pehno na. तुम हमसे क्यों पॉकेट मांग रहे हो? फैशन में चॉइसेस तुम्हारी रहती है. हम तो गवार है. हम ट्रैक्स में वीडियोस बना लेते 4000 लोगों के सामने. वी डोंट केयर. अगर तुम्हें पॉकेट्स में पैंट्स में पॉकेट चाहिए तो बाय पैंट्स विद पॉकेट्स, बाय ड्रेसेस विद पॉकेट्स. आई डोंट थिंक देयर आरंट एनी ड्रेसेस विद लेस पॉकेट्स. एंड तुम लोग वैसे भी हैंडबैग कैरी करते हो. दिस वाज अ शिट स्टेटमेंट ब्रो. फक यू. Aside from that, उसने हिंदुओं को और थोड़ा शेम किया है कहके कि why do you wear that spiritual rope magic shit? Obviously she means the janeer. And तुम किसी के beliefs का मजाक नहीं उड़ा सकते. Yeah, that's bad. And caste related marriage, मुझे करनी है. I'm comfortable. मैं एक हिंदू हूँ. I don't eat non-veg a lot. But if I get into a relationship with someone who eats cows, bees, उसे मुझे प्रॉब्लम नहीं. तुम्हें खाना है खाओ. आई डोंट केयर. बट आई हैव नॉट बीन ब्रॉट अप इन द सेम एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाई इट मेक्स मी अ बिट अनकंफर्टेबल. नॉट ऑफ यू, नॉट ऑफ योर हैबिट्स, बट व्हाट यू आर डूइंग व्हिच यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस व्हिच आई एम अनफैमिलियर विद. दैट्स व्हाई आई डोंट माइंड इन अ कास्ट मैरिज. अगर किसी को लव मैरिज करना यू कैन डू आउटसाइड कास्ट मैरिज. क्योंकि लोग थोड़े उल्ट पुराने माइंडसेट के, दे वांट टू स्टे इन द their lineage, their bloodline, उनकी मर्जी. तुम कौन हो उनको कंट्रोल करने वाले? तुम्हें करना कास्ट के बाहर करो, बट तुम किसी को क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें इसके ये करना चाहिए वो करना चाहिए? तुम्हारा ओपिनियन तुम तुम्हारे पास रखो अगर तुम हमें तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलने नहीं देने वाले तो. अरे तुम दिवाली नहीं मनाऊ क्या? मैं बोल रही है फेस्टिवल मत. अरे मैं दिवाली नहीं मनाऊ. This is so retarded. Like Christmas पे कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा. ओ यार Christmas fine है. ओ ओ ओ बकरी ईद में बकरे काट दे. ओ मैं तो vegan हूँ मुझे खराब लग रहा है. ओ आई डोंट गिव अ शिट. एंड सडनली मैं कल्चर फेस्टिवल रिचुअल्स करना बंद कर दूँ जस्ट बिकॉज यू सेड सो.
समझे तू किस लेवल की रिटार्ड है, यू इडियट 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 इडियट। उसके एक पोस्ट में लिखा है कि स्टेयरिंग इज हैरेसमेंट एंड मी बीइंग मी आई टोटली सपोर्ट दैट। स्टेयरिंग समवन आउट ऑफ द ब्लू इज रियली क्रीपी। आई डोंट लाइक बीइंग टच, कोई मुझे टच करे मैं चिढ़ जाता हूँ। तो आई कैन इमेजिन इफ समवन इज बीइंग स्टेयर्ड एट, आई नो दैट्स बैड, दैट इज हैरेसमेंट। 100% ऑन बोर्ड, 100% विद यू, या श्योर। बट अगर तुम इसके साथ एक पोस्ट बनाते हो कि जस्ट इफ आई गिव यू अ लुक एंड स्माइल दैट डजंट मीन आई एम लीडिंग यू ऑन, तो हाउ डज योर सीइंग समवन बिकम्स अ फ्रेंडली जेस्चर एंड एनीबडी स्टेयरिंग बिकम्स अ स्टेयर। आई एम नॉट जस्टिफाइंग पीपल हु स्टेयर, मैं उनके सपोर्ट में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नो। बट हाउ डू यू जस्टिफाई दैट योर स्टेयर इज अ फ्रेंडली जेस्टर की ओ हा नाइस टू सी यू, एंड किसी और का इज अ स्टेयर, सो दैट्स और लड़कियां कहती है रोमांस इज डेड, लड़कों को आता नहीं। भाई इट्स अ मेटाफोर, इट इज जस्ट लाइक अ मेटाफोर। अगर तूने इंग्लिश ग्रामर के वो नहीं पढ़े ना, क्या बोलते हमको भूल गया, सिमिली मेटाफोर हाइपरबली जो भी है, तूने वो नहीं पढ़े क्या? मेटाफोर है, दैट्स अ मेटाफोर। प्लीज द क्रिंज, इट हर्ट्स, द क्रिंज, इट हर्ट्स, दैट्स लिटरली हर्ट्स। अगर तुझे इतने गानों से प्रॉब्लम है हिंदी गाने, तो आइदर स्टॉप यूजिंग देम और मेक मोर सेंसिबल सॉन्ग्स, और स्टॉप प्रमोटिंग एंड लिसनिंग टू फॉरेन सॉन्ग्स वेयर विमेन ऑब्जेक्टिफाई विमेन देमसेल्व्स जस्ट फॉर व्यूज। बैड बिच, एज फैट, समथिंग लाइक दैट, कोई ना कोई तो होगी, एंड यू एवरीबॉडी नोज व्हाट आई मीन। तो अगर तुम वो बंद करो और फिर ये बोलो तो वो सेंस भी बनता है, बट अगर तुम वो सुन के ये कर रहे हो बोल के कि ओ लड़कियां लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर सकती है, नो दैट गिव्स ऑफ अ बैड एग्जांपल, दैट्स रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट, दैट्स क्रिंज, यू। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर तुझे प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करनी, ठीक है, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस किड्स, हम लोग हर चीजों में गलतियां पॉइंट आउट करना जानते हैं, विच इज गुड कि हम लोग सेल्फ अवेयर है, दैट इज नाइस, बट हम लोग कभी भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। बेगिरत सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, हर चीज का खराब चीजें पॉइंट आउट करके निकल जाती, दैट स्प्रेड्स नथिंग बट नेगेटिविटी। मेरा कैमरा गिर रहा है। तो गाइस, बेगिरत एक क्लास 7 सर्टिफाइड रिटार्ड है, डोंट लुक इन टू हर, डोंट गिव हर अटेंशन, उसको जाके गालियां लिखना भी तुम्हारी टाइम का वेस्ट होगा, सो जस्ट डोंट, ओके। आई डोंट नो क्या क्या बोलूं इसको, देखिए आई एम